तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस वेबसाइट का जो ट्रैफिक जो है वो 1.48 मिलियंस का ट्रैफिक है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो जनरेट होता है वो यूएस से कंट्री का। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा क्योंकि गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो गाइस वीडियो को देखो लास्ट तक। उससे पहले गाइस एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है seosmartkey। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियोस आपको मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर। तो गाइज जल्दी जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइज नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना क्योंकि डेली जब वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा जिसके मदद से आप वीडियो को भी देख पाओगे। वीडियो को देख के जो है अपनी वेबसाइट पे उसको अप्लाई भी करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट आपको आपके सामने आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ गाइज एक चीज़ और बता दूँ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, वो है फर्स्ट Q&A वीडियो इस चैनल के ऊपर। जिसने भी वो वीडियो को वॉच नहीं करा जल्दी जाओ वॉच करो गाइज क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो था और आई होप कि वीडियो अच्छा भी लगा होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक चीज और बता दूं, जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या आप मुझे डायरेक्ट DM करो। तो गाइस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे गूगल में आना है और आपको लिखना है PB Works करके आपको वेबसाइट का जो लिंक जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो गाइस आपको जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइज इस वेबसाइट का DA आप देख सकते हो 88 है और PA 54 है, लेकिन गाइज स्पैम स्कोर खाली 1% है। और गाइज इस वेबसाइट का जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो है USA कंट्री का, ऑलमोस्ट 50% ट्रैफिक जो है USA कंट्री का है। तो गाइज आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी और कितनी अच्छी वेबसाइट है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा गेट स्टार्ट, आपको गेट स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे अपने जो बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे आप देख लो, अगर मान लो कि अगर आप बिजनेस के रिलेटेड अगर आप आर्टिकल यहाँ पे लिखना चाहते हो तो बिजनेस हो जाएगा, या लाइफ के बारे में, या EDU वेबसाइट्स के बारे में, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी जो आर्टिकल्स है उसके रिलेटेड आप किसी भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करोगे तो सिंपली आपको बस करना क्या होगा, यूज़र नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड ही आपको एंटर करना होगा। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल seosmartkey। तो मेरा जो डोमेन जो होगा वो बनेगा seosmartkey.pbworks.com और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो ईमेल आईडी हो गया और पासवर्ड हो गया, ये चीज़ें मैं यहाँ पे एंटर कर दिया है। सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल और ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने सारी चीज़ें अपडेट कर दिया, उसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपके पास एक मेल आएगा जिसके मदद से जो है आपकी जो मेल है वो वेरीफाई होगा। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे पास मेल भी आ चुका है और इस मेल पे जो लिंक जो आ रखा है इस लिंक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ जिसके मदद से मेरा जो लिंक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, मेरा मेल वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा जो लिंक और मेरा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है। और वेरीफाई होने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको बस जाना है क्रिएट पेजेस पे। आप देख पा रहे होंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट पेज का, आपको जो है क्रिएट पेज पे आपको क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे तो गाइस जैसे आप क्रिएट पेज पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टाइटल आपको डालना होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया बैकलिंक्स करके और यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे गाइस बैकलिंक जो है वो उसके रिलेटेड पेजेस ऑलरेडी बने होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यूनिक नेम एक यूज करता हूँ, एक टूर पैकेजेस करके मैंने एक टाइटल डाल दिया। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एक आर्टिकल आपको अपलोड करना है, मीन्स कॉपी पेस्ट करना है और आर्टिकल जो है वो 100% यूनिक होना चाहिए और कम से कम 600 से 1000 के बीच में आर्टिकल्स होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी आर्टिकल है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 600 से 1000 के बीच में वो मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए। और इसमें जो है आपको हाइपर लिंक लगा सकते हो, कम से कम 2 हाइपर लिंक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है आप देख पा रहे होंगे साइड में जो है इमेज का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी आपका जो आर्टिकल होगा आर्टिकल के रिलेटेड आप इमेज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप अपना जो आर्टिकल है उसको अपलोड
करने का, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करना होगा। सबसे नीचे आपको सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सेव करने के बाद आपको जाना है फाइल्स के ऊपर, और आप देख पा रहे होंगे फाइल्स पे जैसे चले गए, जो भी आपने जो टाइटल आपने जो नाम दिया होगा उस टाइटल का जो है आपको फाइल भी दिख रहा होगा, जैसे आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसको जो लिंक जो मैंने जो दे रखा है उसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। तो गाइस ये 100% डोफॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज भी आपको मिला होगा। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपको जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक के ऊपर क्रिएट करूँ। थैंक यू सो मच गाइज़।